बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा भी हो चुकी है। नामांकन का प्रक्रिया भी पूरा कर लिया गया। महागठबंधन के 7 दलों में जहां एकता दिखाते हुए दोनों सीटों से आरजेडी के उम्मीदवार को उतारा गया है, तो बीजेपी ने अपने दम पर ही दोनों जगहों पर कैंडिडेट उतार दिया है। इस बीच सन ऑफ मल्ला कहे जाने वाले मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने उपचुनाव से किनारा कर लिया है। उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। उम्मीदवार चयन से लेकर नामांकन तक में किसी भी गठबंधन में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने बताया कि उपचुनाव में वीआईपी ने उस उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला लिया है जो भाजपा प्रत्याशी को हरा सके। हालांकि इसकी भी औपचारिक घोषणा विमर्श के बाद ही की जाएगी। पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशियों पर नज़र बनाए रखने को कहा गया है। गोपालगंज में महागठबंधन के एक बड़े नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा है कि मुकेश सहनी की गोपालगंज में महागठबंधन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही उनका यहाँ कोई बड़ा जनाधार है और ना ही वे यहाँ कोई बड़ी भूमिका ही निभा सकते हैं। गोपालगंज में पिछड़ी जाति की कुल आबादी लगभग 50,000 के आसपास है। इनमें मुश्किल से 3 से 4 हज़ार वोट मुकेश सहनी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इससे ज़्यादा कि उनकी क्षमता नहीं है उस क्षेत्र में। मोकामा की राह भी सहनी के लिए मुश्किल थी। वीआईपी के प्रवक्ता देवज्योति ने कहा है कि पूर्व में पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया था, लेकिन आज सबसे बड़ी ज़रूरत आरक्षण को बचाए रखने की है। उन्होंने कहा पर में आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, उसकी लड़ाई लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। 14 नवंबर से वे इसके लिए राज्य भर में आंदोलन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। मुकेश सहनी बोचहा उपचुनाव में मुंह की खाए थे। मुजफ्फरपुर उनका गढ़ कहा जाता है। इसी जिले का विधानसभा था बोचहा। इन्हीं की पार्टी से जीते उम्मीदवार मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ था, लेकिन उपचुनाव में ये तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे और मात्र 25,000 वोट ही इन्हें मिल सका था। इससे पहले बीजेपी ने इनके तीनों विधायकों को तोड़ लिया था, पहले मंत्री पद और बाद में एमएलसी के पद से भी इनको हाथ धोना पड़ा। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में अब असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने भी एंट्री मार दी है। AIMIM पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में सदर प्रखंड के चौराव पंचायत के पूर्व मुखिया और मदरसा इस्लामिया के सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया उतरे हैं। उन्होंने भी आज नामांकन कर दिया है, लेकिन मामला जो है वो मुकेश सहनी पर जाकर फंसा कि आखिरकार मुकेश सहनी को ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि दोनों सीटों पर। पहले तो उनकी पार्टी बढ़ चढ़ कर ये बात कह रही थी कि वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन अचानक से उन्हें पीछे हटना पड़ा, उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की तरफ से मुकेश सहनी को कोई तवज्जो नहीं दिया गया और दोनों सीटों पर जो 7 से 8 हज़ार के आसपास सहनी वोटर हैं, चाहे मोकामा हो जहाँ पर करीब 8 हज़ार के आसपास मल्लाह की उपजाति बिंद के वोटर हैं, और या फिर गोपालगंज हो जहाँ 7 से 8 हज़ार की संख्या में ही सहनी वोटर हैं, ये दोनों के दोनों मुकेश सहनी की नहीं सुनने को तैयार थे। और जब तेजस्वी यादव को इस बात का अनुमान हो गया तो उन्होंने मुकेश सहनी को कोई तवज्जो नहीं दिया। बीजेपी से तो उनकी ठनी हुई है, ऐसे स्थिति में अपने फजीहत ना हो, मुकेश सहनी की फजीहत ना हो और उनका कितना पकड़ है मल्लाहों में, इस बात का पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए मुकेश सहनी इस चुनाव में पीछे हट गए हैं।